नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज। आज मैं मौजूद हूं सिरसा जिला के रंधावा गांव के अंदर और यहां पर एक तनाव बना हुआ है और उसकी वजह है मेरे पीछे जो ये प्रतिमा है इसको रात के समय में खंडित कर दिया गया है और इसका पता जो है गांव वालों को आज सुबह लगा और उसके बाद पूरे गाँव के अंदर बुनियादी हुई और उसके बाद जो पूरे गाँव के लोग है वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। रात के समय में शरारती तत्वों ने इस घटना को अंजाम दिया है जिसका पूरा राजपूत समाज इसका विरोध कर रहा है और सूचना मिलने के बाद राजपूत सभा के जो सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं जिला सिरसा के, वो भी यहां पहुंचे हुए हैं। तो पूरे गांव वालों से बात करते हैं, राजपूत सभा के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं क्या कुछ मामला था और अब जो ये इस तरह से यहाँ पर धरना लगाकर जो ग्रामीण बैठे हैं तो इनकी क्या कुछ मांग है। आज रात को हमारे महाराणा प्रताप चौक के ऊपर जो घटना हुई उसकी सारा गांव कड़ी निंदा करता है और ये जो मूर्ति को खंडित किया गया है ये सुबह लगभग 7:30-8 बजे हमको पता चली है। तो हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि जिन्होंने ये घृणित कार्य किया है उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए और प्रशासन को हम 2 दिन का समय देते हैं, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम रोड जाम करेंगे, आगे जबकि जो भी समाज हमें आज्ञा देगा वो कार्रवाई करेंगे। तो प्रशासन से अनुरोध है कि इस पर अमल किया जाए। रंधावा गांव में महाराणा प्रताप चौक है, इस चौक में शरारती तत्वों ने जो रात ये घिनौनी हरकत की है, इस पूरे प्रदेश को और पूरे समाज को ये मैसेज जाना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से कि भी इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए और प्रशासन से भी ये हम आग्रह करते हैं कि इनका जरूर ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी सख्ताई करे, वरना हम 2 दिन का टाइम देते हैं फिर रोड भी जाम करेंगे और पूरे प्रदेश में इस चीज का जो हमें खंडन करेंगे। और ये बहुत ज्यादा जिन्होंने ये किया है, ये महान पुरुष की मूर्ति को जिस किसी भी शरारती तत्व ने ये करा या गांव में आकर के अगर गांव का है कहीं का है उसको पता लगे और माफी मांगे तो हम उस पर विचार कर सकते हैं, भी कोई बात को नहीं किसी ने भी की हो। अगर कोई नहीं प्रशासन या गांव वाला कोई जो भी बंदा है जिसने ये काम किया है वो नहीं ये करेगा तो हम पूरा इस जोर शोर से इस बात को उठाएंगे। आज जो गांव रंधावा में महाराणा प्रताप चौक बने हुआ है और ये जो रात को जो ये घटना हुई है, महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति है उसको खंडित किया गया है, तो ये जो भी असामाजिक तत्वों ने जो ये काम किया है उनके खिलाफ प्रशासन से हमारी एक ही आग्रह है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और महाराणा प्रताप जो थे वो किसी एक समाज के नहीं थे, वो सर्व समाज के, आज उनकी वजह से हम खुले में घूम रहे हैं। उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी है सर्व समाज के लिए लड़ी है, उन महापुरुषों की जो प्रतिमा के साथ ऐसा कार्य हो उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और यही हमारा प्रशासन जो नजर है, नहीं तो हम कड़े से उसका विरोध करेंगे, जो भी करना पड़े वो संभव होगा वो हम करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है, इसकी सब समाज से तरफ से निंदा करते हैं और इसके लिए हम संघर्ष करेंगे। महापुरुष तो सब भी समाज के होते हैं तो सब समाज से भी यही विनती है कि हमारा साथ दें।